Ay, vale. नो बोले क्या कहते हैं एस्टिमेट जब देंगे बनाकर पहले हमें 20,000 रुपये दो, अच्छा पहले भी ले चुके ये, अच्छा तो तब भेजेंगे आपको। किसने कहा 20,000 रुपये? तो जी साहब ने। कौन से विभाग के? ये बिल विभाग के। अच्छा निसाबाद के। तो हमने साहब आज दिए थे, हमने क्या कहते हैं वहाँ गए मुरादाबाद पर उनकी स्कीम बनाई तब आज दिए थे, आज पकड़े गए। किसने पकड़ा? जिन्हें का नाम अच्छा टीम ने। हाँ, अच्छा तो इससे पहले पूर्व में कितने पैसे ले चुके हैं आपसे ये? 1,00,000 एक दफा ले ली। हाँ, 3-4 महीने पहले ले लिए 20,000 रुपये। हाँ, 20,000 फिर मांग रही थे। अच्छा तो 20,000 आज दिए थे मैंने। अच्छा क्या काम था आपका? ट्यूबवेल का काम था मेरा, ट्यूबवेल लगवाया था। कितने ट्यूबवेल थे? एक है। एक? हाँ, अपने खेत के लिए। हाँ, खेत के लिए। देखिए इस संबंध में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है? बताइए। मतलब ये एक क्या बोलते हैं जैसे मतलब एक उसके तहत मतलब मुझे जानबूझ करके मतलब मेरा खास जिससे मेरी बहुत ज्यादा संबंध था मतलब करने मतलब ठीक जिनको मैं ज्यादा मानता था या फिर उनको ठीक उन्होंने जानबूझ के मुझे मतलब फंसाया कुछ नहीं मतलब किसानों के नाम से ट्यूबवेल के नाम पर कनेक्शन के नाम पे आपने पैसा लिया? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों टीम ने क्यों पकड़ा आपको? श्री विजय प्रताप सिंह द्वारा तो उसी आधार पर हम लोगों ने जो है एक संयुक्त टीम गठित की और उसमें गवाहों को लिया और ये जय विजय प्रताप सिंह को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है दो गवाह लिए। तो गवाह कौन कौन है? गवाह है एसडीएम साहब रामपुर और समाज कल्याण अधिकारी। सर कितने पैसे का रिश्वत का मामला था? 20,000 रुपये की रिश्वत। किस नाम से लिए? ये कनेक्शन का एस्टिमेट बनाने के लिए, इसने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था और उसका एस्टिमेट तैयार करने के लिए। तो जिस किसान से पैसे लिए उस जगह उससे पहले भी कई किसानों से एस्टिमेट के नाम पे पैसे लिए 20,000 रुपये? नहीं, और अभी कोई पैसे सामने नहीं आया, बस उसके उसके द्वारा शिकायत की गई और उसी शिकायत पर जो हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा हमारे संज्ञान में अभी नहीं है, अभी जांच और विवेचना से आगे जो भी तथ्य आएंगे उनको देखा जाएगा।